हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने समझा रिटर्न क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे आर्गुमेंट क्या होता है और रिटर्न क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, हम साथ साथ समझेंगे। देखिए, आर्गुमेंट कुछ नहीं होता है। आर्गुमेंट जो होता है वो एक डेटा होता है जो हम फंक्शन को, जब हम उसे कॉल करते हैं फंक्शन को, उसी वक्त हम वो डेटा भी दे देते हैं। लो भाई, तुम इसी डेटा पर काम करना है, ठीक है, तुम इनपुट उनपुट मत कराना। आप अगर पिछले वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, जब आर्गुमेंट नहीं था तो हम फंक्शन में वेरिएबल बना रहे थे, इनपुट करा रहे थे, और इनपुट होने के बाद जो हमारा रिजल्ट हो रहा था वो हम डिस्प्ले करा रहे थे या फिर रिटर्न करा रहे थे, यानी हम फंक्शन में इनपुट वगैरह का काम करा रहे थे। मगर वैसा फंक्शन जिसमें हम इनपुट कराने की जरूरत ही नहीं है, या इसको आसान शब्दों में से भी समझिए, अगर कभी भी आपको ये बतलाया जा रहा है कि एक फंक्शन बनाइए जिसमें आर्ग्यूमेंट होगा, रिटर्न होगा कि नहीं होगा, उसको कैसे डील करना है आप सीख चुके हैं। आर्ग्यूमेंट अगर होगा उस फंक्शन में, अगर होगा तो क्या करना है, तो समझ जाइए कि उस फंक्शन के अंदर हमें इनपुटिंग का काम नहीं कराना है। उदाहरण के लिए ये आप एक प्रोटोटाइप देखिए फंक्शन का, ये किस तरह का फंक्शन है। ये फंक्शन है रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स, विद टू आर्ग्यूमेंट्स, ये दो डेटा है, इन्हें को आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक है। ये दो पैरामीटर्स है, ये दो डेटा हम ऑलरेडी इस फंक्शन को दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये एक फंक्शन है AOR, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का, सिंपल। हमें किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए फंक्शन है, और इसमें किस तरह का फंक्शन है, आर्गुमेंट ऑलरेडी है, तो वैसा फंक्शन जिसमें हम ऑलरेडी आर्गुमेंट डाल रहे हैं। अब आर्गुमेंट डालेंगे कैसे, उसमें डेटा आएगा कैसे, ये सब सब हम बतलाएंगे, बस पहले इसका थीम को समझिए। वैसा फंक्शन जिसमें हम आर्गुमेंट लिस्ट में कुछ डाल देते हैं, जैसे फंक्शन के मुताबिक लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ तो चाहिए, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ पर उसको सप्लाई करेंगे। और अब आप देखिए कि पिछले फंक्शन से इसे आप कंपेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले फंक्शन में हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया था, इन ऑब्जेक्ट, फिर हमने एक मैसेज लिखा था कि भाई इंटर टू नंबर्स, फिर हम पहला नंबर एक वेरिएबल में लिए, दूसरा में लिए, और तब जाके प्रोसेसिंग या ऑपरेशन का काम किए थे। मगर वैसा फंक्शन जिसमें ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट है, वैसे फंक्शन में इनपुटिंग का जरूरत पड़ता ही नहीं है। फंक्शन के अंदर इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। फंक्शन के अंदर का मतलब क्या है, ये है फंक्शन के अंदर का पार्ट। फंक्शन तो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ अंत हो जा रहा है, ये जो पार्ट है ये फंक्शन के अंदर का पार्ट है, यानी लाइन नंबर 6 से 7 तक यही सिर्फ पार्ट है फंक्शन के अंदर का पार्ट। तो आप देखिए कि इसमें इनपुटिंग का कोई काम नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार का इनपुट हम नहीं करा रहे हैं। हाँ, ऑपरेशन करा रहे हैं, ये देखिए ऑपरेशन हो रहा है, प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। क्या ऑपरेशन हो रहा है, हम सीधा सीधी एरिया निकाल रहे हैं। एरिया कैसे निकाल रहे हैं, एरिया का जो फॉर्मूला है, आप कोई भी बड़ा से बड़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला में आपको टेंशन नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला लेंथ टू ब्रेथ होता है, एल यहाँ पर ऑलरेडी है, बी यहाँ पर। अब इसमें डेटा कैसे आएगा ये भी हम बतलाएंगे, मगर पहले थीम को समझिए। मैंने यहाँ बस प्रोसेसिंग कराया, प्रोसेसिंग करा के रिजल्ट इसमें स्टोर हो गया, और चूंकि ये फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन है इसीलिए हम इसको रिटर्न करा दे रहे हैं, और ये यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, और काम हो रहा है। आइए पहले इसको हम लोग चला के एक बार देखते हैं। सेव करिए, इसको रन कराइए, कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। देखिए ये रन कर गया, रिजल्ट में क्या दिखा, कुछ नहीं, खाली। क्यों भाई, आप में से ज्यादातर लोग बता सकते हैं क्यों? क्योंकि जब हम इसे रन कराए तो रेट आर्ग नाम का क्लास में मेन फंक्शन कहाँ है, मेन फंक्शन यहाँ है, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन से कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये लाइन नंबर 12 से शुरू हो रहा है। क्या करना है इसमें, इस फंक्शन को कॉल करना है। हम ऐसा क्यों लिखे हैं भाई, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो रिटर्न टाइप फंक्शन को आमतौर पे ऐसे ही लिखना पड़ता है, ये लिखना ज्यादा सही है, यही सही है। तो ये कॉल हुआ, ठीक है, ये कॉल हुआ तो क्या हुआ, ये कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन में क्या करना है, तो ये फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक का काम करना है। पहला काम क्या है, ये है एल इन टू बी। अब एल इन टू बी कहाँ से आया, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ जब इसे हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, 5 और 6 दे रहे हैं। ये 5 और 6 हम क्यों दे रहे हैं,
एल के लिए दे रहे हैं और बी के लिए दे रहे हैं। यस, ये ही सबसे जरूरी बात है आर्गुमेंट वाले फंक्शन के बारे में। अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जो दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बन रहा है, जैसे कि ये बना हुआ है, ऐसा इसका डिजाइन है कि भाई एक इंटीजर वेरिएबल लेना एक और एक दूसरा और लेना, यानी दो इंटीजर वेरिएबल, तो जब भी हम इस फंक्शन को अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमें ये देना ही होगा फाइव, ये दो इंटीजर डेटा देना ही होगा हमें, चाहे हम जैसे दें, तो फाइव और सिक्स दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा, पहले आप दिया हुआ उसको समझिए। तो जैसे ही हम फाइव और सिक्स देते हैं तो फाइव गेट ट्रांसफर टू और गेट कॉपी टू एल एंड सिक्स गेट कॉपी टू बी, एल और बी में चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर यही होता है, ध्यान से देखिए, ये ऑपरेशन करा है एल इंटू बी, यानी फाइव इंटू सिक्स क्या होगा, सिक्स फाइव थर्टी, थर्टी आ गया यहाँ पर आर का वैल्यू, और आर को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने से क्या होता है कि कॉलर फंक्शन में, मेन फंक्शन में ये आर वन में चला गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना, बंद करना है। कहीं भी क्या हमने आउटपुट कराया, नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन क्या हमने लिखा, नहीं। यही वजह है कि यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि आउटपुट आपको तभी दिखेगा जब आप आउटपुटिंग का प्रयोग करिएगा, आउटपुटिंग स्टेटमेंट दीजिएगा तब, अदरवाइज सारा काम अंदर में होता रहता है, प्रोसेसर और रैम के अंदर होता रहता है। तब इसे आउटपुट कैसे कराएंगे, देखिए आउटपुट कैसे कराएंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पर आउटपुट का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन एरिया इज, और आर वन में उसका रिजल्ट है, ठीक है। कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि ये आर लिख देते हैं यहाँ पे, भाई ये आर जो है ये यहाँ का लोकल वेरिएबल है, ठीक है, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। जैसे ही फंक्शन जब कॉल किए थे ये खत्म हुआ था तो आर का भी अस्तित्व खत्म हो गया था। आर वन हम क्यों लिखे हैं, आर वन ये है हमारा यहाँ का लोकल वेरिएबल, तो जब फंक्शन कॉल हुआ तो आर में सारा ऑपरेशन हुआ, आर अपना कंटेंट आर वन को भेज दिया और ये आर खत्म हो गया, उसका लाइफ खत्म हो गया। तो हम आर यहाँ लिखेंगे तो आर को पहचानेगा ही नहीं, आर वन लिखना है। अब आप इसे रन करा के पहले देखिए, मैं सभी चीजों को आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, बस ध्यान पूर्वक समझते जाना आपको। देखिए अब दिखा रहा है एरिया 30, ऑपरेशन फिर से बताने की जरूरत नहीं है, जब हमने कॉल किया तो ये हुआ, आर का जो वैल्यू 30 हुआ ये आर वन में आ गया, अब आर वन को प्रिंट करा दे रहे हैं इसलिए प्रिंट कर रहा है, ये एक तरीका होगा। अब आइए देखते हैं कि अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं देते, पहले तो एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो क्या होगा, कुछ नहीं, कंपाइल करा के देखिए, कंपाइलर ही बताएगा क्या होगा। ये देखिए, पढ़िए इसको ध्यान से, एरर मेथड AOR इन द क्लास रेट आर्ग, ये रेट आर्ग हमारा क्लास है, कैनॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, हमने ऐसे कॉल किया है जबकि रिक्वायर्ड क्या है, दो INT डेटा रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस फंक्शन का डिजाइन देखिए, दो INT डेटा इसको चाहिए, रिक्वायर्ड ये है, हमने दिया क्या है, फाउंड व्हाट, फाउंड नथिंग, नो आर्ग्यूमेंट। तो यहां पर देखिए रीजन, एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट इन लेंथ एंड व्हाटएवर। तो अब यहां पर आपको एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी समझना है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर, ये है फॉर्मल पैरामीटर, यहां से एक्चुअली डेटा प्रोवाइड होता है, बट यहां तो क्या है, यहां कुछ है ही नहीं रहता, इसलिए वो नहीं ले रहा है। तो एक्चुअल डेटा प्रोवाइड करिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक 345 और 123 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। अब सेव करिए, अब आप फिर से इसे, चूंकि आपने बदलाव किया है, सेव करना होगा, आप रन कराइए, देखिए अब दिखा रहा है 42,435, ये है इसका एरिया। अब ये मीटर में है कि फिट में है कि क्या है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं, लाइक एरिया इज आर वन, यहाँ प्लस लगाइए, मीटर में लिखना है तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, तो मीटर स्क्वायर में ये आपके ऊपर है, ये बस यूँ क्या है, बस ये देखने दिखाने का चीज होता है, इसका कोई मतलब, यहाँ सेंटीमीटर लिख दो सेंटीमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर लिख दे किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है। देखिए मीटर स्क्वायर, सब मीटर स्क्वायर, यहाँ स्पेस दे दीजिए तो अगला आउटपुट सही से होगा। इसी तरह से हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब एक और चीज जो आपको समझना है वो ध्यान से समझिए आप, वैसा फंक्शन जिसमें रिटर्न हो रहा है, रिटर्न अगर हमने दिया है, वॉइड नहीं दिया है, वॉइड के अलावे कुछ दिया, लाइक INT हमने दिया है, तो वैसे फंक्शन में आमतौर पर आउटपुट नहीं ही कराना चाहिए। जैसे ये फंक्शन देखिए, मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट नहीं लिखा, चाहे तो हम लिख सकता है बट नहीं लिखा है, लिख सकते हो बट नहीं लिखने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डेटा जो भी प्रोसेसिंग हो चुका है वो तो रिजल्ट आपको भेज ही रहा है यहाँ पर,
अब आप उसको आउटपुट कराइए कि आप जो करना है करिए, आप कर सकते हैं। इसलिए आउटपुट यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट का जरूरत नहीं है, मगर आप चाहें तो दे सकते हैं। जैसे देखिए इसी चीज को यहाँ कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, रिटर्न होने से पहले या रिटर्न करने से पहले ये चीज कर देना बाबू। आप कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ आर वन मत लिखिए क्योंकि आर वन अब यहाँ का कंटेंट है, आर वन यहाँ करने यहाँ रीड नहीं होगा। ये आर से कंफ्यूज मत हो, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहाँ आर लिखिए क्योंकि आर यहाँ कैलकुलेट हो गया, आर कंप्लीट कराएंगे, यहाँ काम होगा, यहाँ काम। अब इसको सेव करिए, अब देखिए क्या होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। आप जितना बोलते हैं कंप्यूटर उतना ही करता है। आपने मेन फंक्शन में देखिए क्या बोला, आपने कॉल किया, ये फंक्शन कॉल हुआ, कॉल हुआ तो क्या किया, आर का वैल्यू क्या हो गया, एल इन टू बी, एल इन का कहां से आया, एल का वैल्यू ये हो गया, बी का वैल्यू ये हो गया, इजी पास हो जाता है। यही सिस्टम ही है, तरीका है, पास हो जाता है, ठीक है। तो ये पास हो गया, यहाँ पर रिजल्ट आ गया इसमें। अब उसको हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, एरिया इज आर, या एरिया यहाँ लिख दो इन ए ओ आर, यहाँ एरिया इन मेन, ये मेन फंक्शन है, ये ए ओ आर फंक्शन है, सर डिफरेंस के लिए। तो आर का वैल्यू जो हुआ वो दिखलाया और फिर रिटर्न किया, आर रिटर्न भी किया, तो ये रिटर्न करने से यहाँ भी आ गया। और फिर हम सेम मैसेज करा रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, ए ओ आर यहाँ लिख दिया, मेन कर दिया। अब इसको फिर से रन करा के सेव कर लीजिए, जावा से इसे कंपाइल कराइए, जावा से रन कराइए, देखिए अब वो बदलाव दिख रहा है आपको। एरिया इन ए ओ आर, ये वाला फंक्शन रन किया उस समय ये बताया, फिर मेन में आया तो ये किया, दोनों का रिजल्ट सेम। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि रिटर्न टाइप जो फंक्शन होता है उसमें हमें ये कराने की जरूरत नहीं है, चाहे तो हम करा भी सकते हैं। क्यों जरूरत नहीं है कराने की, क्योंकि हम जब रिटर्न कराते हैं तो जो डेटा है, जो मेन प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट है, वो तो रिटर्न हो ही रहा है कॉलर फंक्शन के पास। कॉलर फंक्शन चाहे तो उसे आउटपुट कराना चाहे आउटपुट करा ले, या कुछ यूज करना चाहे तो यूज करा ले। यूज कैसे करना ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अब इसको फिर से एक बार ध्यान से समझिए, आर्ग्यूमेंट आपने देखा कि जब हमने इस फंक्शन को बिना आर्गुमेंट के कॉल किया था तो वो एरर दिखला रहा। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि आप जो भी फंक्शन कॉल करते हैं तो पहले आपको उस फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो कितना आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चूंकि हम ए और फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं और खुद मैंने ही इसे बनाया, इसलिए मुझे पता है कि भाई ए और फंक्शन को ऐसा बनाया है कि वो दो डेटा लेगा, तो दो डेटा हमें देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो एरर आएगा, जैसा कि आपने देख लिया। अब आप ये भी देख लीजिए कि अगर एक डेटा दे रहे हैं तो क्या होगा, तो कंपाइल कराइए, एरर आ गया। अब एरर से समझिए फिर से एक बार, मेथड और कैन नॉट बी अप्लाइड गिवन टाइप, हम एक डेटा दे रहे हैं जबकि रिक्वायर्ड दो है, हम फाउंड ओनली वन, एक्चुअल एंड फॉर्मल डिफर कर रहा है, यानी एक्चुअल में जितना डेटा मांगे उतना ही देना है हमको, कम बेसी नहीं दे सकते, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज और देखिए कि हम दूसरा टाइप का डेटा दे रहे हैं, फ्लॉट टाइप या डबल टाइप डेटा दे रहे हैं, पॉइंट वाला नंबर दे रहे हैं, तो क्या बोलता है, इसको भी सेव कर लिए। दो डेटा तो दे रहे हैं बट दिस टाइम द टाइप इज डिफरेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ दूसरे तरह का एरर दिखला रहा है, एरर इनकॉम्पेटिबल टाइप्स, क्यों भाई, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू आई एन टी, हम डबल टाइप डेटा दे रहे हैं और है वो आई एन टी, लॉसी कन्वर्जन होगा और इनकॉम्पेटिबल टाइप है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि आपको डेटा टाइप भी सही चूज करना है, अभी आराम से काम करेगा। मैं इतना धीरे धीरे विस्तार से इसलिए समझा रहा हूं कि कुछ लोगों को इसी तरीके से समझना आता है, तो अब जिस तरीके से समझना चाहे उसी तरीके से इजी वे में समझना, इजी वे में समझिए। आप चाहे तो हम इससे भी इजी वे में समझा सकते हैं, मगर मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं आगे, ये तो हो गया कि भाई ठीक है, अब आप ज्यादा डालिएगा तो भी आप आसानी से आप प्रैक्टिकल के समय देख सकते हैं कि ज्यादा डालने से भी होता है कि चाहिए इसको दो दे रहे हैं तीन या चार, तो दिक्कत है, वहां भी दिक्कत आएगी। अब हम आपको ये बताना जा रहे हैं कि डेटा और कहां कहां से दे सकते हैं इनपुटिंग, ये तो डायरेक्ट लिख दिया भाई। अब हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट हो, यूजर बताए कि ये मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेथ है, उसका एरिया दिखाए, तो वही काम हमको यहाँ करने का जरूरत नहीं है, चाहे तो हम जबरदस्ती यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ जरूरत नहीं है, करना नहीं चाहिए। यानी कि अगर वैसा कोई फंक्शन है जिसमें आर्गुमेंट की बात हो रही है तो उस फंक्शन के अंदर इनपुटिंग नहीं होता है, हम बाहर कहीं से इनपुट लेकर के उसको भेजते हैं। लो भाई अब कैसे भेजते हैं वो देखिए, देखिए इनपुटिंग का सीक्वेंस हम यहाँ सेव करके रखे हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, वहां पर काम हो जाएगा।
देखिए अभी पहले वहां पहुंचने दीजिए, समय बचाने के लिए मैंने एक कोड को पहले से रखा हुआ था। यह है इनपुटिंग का सीक्वेंस, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया ताकि इनपुट हो सके। दो वेरिएबल, चूंकि लेंथ एंड ब्रेथ लेना है तो दो वेरिएबल हमने कोई भी नाम ले सकते हैं, हम A1 और A2 हमने लिया, कुछ भी ले सकते हो। फिर एक मैसेज मैंने बोला कि भैया इंटर लेंथ एंड ब्रेथ इन फिट, फिट फॉर व्हाट, फॉर क्या लिखे हैं, फर्स्ट रूम, अच्छा रूम लिखे हैं। तो ये समझ लो कि कोई कमरा है, वो कमरे का फर्श जो है, फर्श यू नो पक्का, यू नो उस पक्के का हम, उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम बताना चाह रहे हैं इसमें, लोग समझ कि एक रूम है, रूम में जैसे तुम जिस रूम में रहते हो उसमें जो फर्श होता है उसका लंबाई एक चौड़ाई होता है, वो आपको डालने बोल रहा है। इससे क्या फायदा होगा भाई, आप देखते जाना क्या फायदा होता है, ठीक है। तो वही डालना, तो ये कहाँ जाएगा, पहला लेंथ जो डालोगे वो A1 में जाएगा और ये इसमें जाएगा। और अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ जो लिटरल हमने लिखा है, लिटरल मैंने फिक्स वैल्यू जो लिखा है, जो कांस्टेंट 34 और 5 लिखा, उसके जगह में हम वेरिएबल लिख देंगे A1। तो A1 का जो भी वैल्यू होगा वो प्रोग्राम जब रन करेगा उस समय वो यहाँ पास हो जाएगा, और A2 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पास हो जाएगा। अब आइए इसका कमाल देखते हैं, इसको कंपाइल कराइए, अब इसको रन कराइए। अब रन कैसे करेगा, प्रिडिक्ट करिए पहले, देखिए। अब जब ये रन करेगा तो मेन फंक्शन से रन करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा अंदर में जो दिखेगा नहीं आपको, दो वेरिएबल बनेगा अंदर में जो भी जो नहीं दिखेगा, आउटपुट होगा ये आपको दिखेगा और इनपुटिंग होगा वो भी आप देख सकते हैं। देखिए रन कराए, देखिए ये दोनों काम हो गया अंदर में, जो दिखा नहीं। इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इन फिट, फिट में मांग रहा है, जैसे नाप लीजिए अपने रूम का कमरा है, जिस भी लेंथ है 10 फिट है। आपको यहाँ FTA नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखते हैं, या फिर डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा, 10 इंटीजर है, FTA अक्षर है तो ये गड़बड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ फिट लिख दीजिए, मीटर लिख दीजिए। और ये अंडरस्टूड होता है कि भैया 10 माने 10 फिट ही वो लेगा। और यहाँ डाल दीजिए 15, 10 बाय 15 का आपका रूम, तो एरिया कितना है, AOR से कैलकुलेट किया इतना निकला, और मेन फंक्शन में बता रहा है कि इतना हुआ, ठीक है। ये तो आप एक काम करिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, बार बार एक ही चीज बार बार बोलने से क्या फायदा है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि क्या होगा, एरिया निकाल रहा है। अब मान लीजिए कि हमारे घर में 3 रूम है और 3 रूम का अलग अलग डायमेंशन है, और हमको जोड़ के सम्मिलित रूप से तीनों रूम मिला के कितना एरिया हो रहा है फ्लोर का, ये जानना है। क्यों जानना है, क्योंकि हमको मान लीजिए उसमें टाइल्स लगवाना है या कुछ लगवाना है तो कितना खर्चा आएगा ये हमको बताना है। टाइल्स लगवाने का मान लीजिए कॉस्ट है 15 रुपये स्क्वायर फीट, 15 रुपीज पर स्क्वायर फीट में टाइल्स कोई मिस्त्री लगा रहा है, कोई मेसन लगा रहा है, तो वो अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये कैसे दे, देखो कैसे करना है। एक बार हमने ये सिस्टम बना लिया है फर्स्ट रूम का, अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, ये पहला रूम का आ गया भाई, पहला रूम का। अब दूसरा रूम का यहां से कोड कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया दो वेरिएबल, वेरिएबल बार बार यूज किया जा सकता है, एक बार तो हमने इनपुट करा के R1 में उसका वैल्यू को डाल ही दिया कि ये होगा। अब हम दोबारा क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि पता चले कि ये अलग है भाई, ये देखो थोड़ा सेपरेट हो जाने से थोड़ा सा खूबसूरती आता है। सेकेंड रूम, सेकेंड रूम, ठीक है। और कुछ नहीं करना है भाई, अब यहां पर देख लो कंट्रोल भी दबा, थर्ड रूम ऑफ, थर्ड रूम देख लीजिए, कोड पूरा देख लीजिए, है ना, थर्ड रूम दिखा रहा है। अभी क्या है, इसको गौर से देखिएगा तो कुछ नहीं है इसमें, जब मेन फंक्शन जब रन करेगा तो ये क्या करेगा, दो वेरिएबल बनाएगा, पहले बोलेगा कि भैया फर्स्ट रूम में डालिए, फिर आप जो भी डालेंगे वो ले लेगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा उसका एरिया निकाल के R1 में डालेगा, फिर प्रिंट करेगा कि भैया ये इतना स्क्वायर फिट है, फिर बोलेगा इंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 2 रूम, सेकेंड रूम उसका आप जो भी डालेंगे वही वेरिएबल में, तो पहले जो डाले वो कहाँ जाएगा, वो इरेज हो जाएगा, उसका अब काम कहाँ है, उसका तो रिपोर्ट हम कैलकुलेट करके R1 में डाल दिए हैं, फिर दूसरा जो रिपोर्ट होगा फिर R1 में नहीं डालना है, अब यहाँ दूसरा वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप कर दीजिए R2, ये वेरिएबल वही रहेगा, कहे कि पहला वैल्यू का जो ऑपरेशन हो तो होके हम रख लिए हैं, अब खाली भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब उसमें नया डाल रहे हैं, वेरिएबल का भी यूज कर रहे हैं, इसमें आ गया। और यहाँ पर खाली आपको बदल देना होगा कि भाई R2 का बता दो, और इसी तरह से यहाँ पर भी हमको R3 कर देना होगा, जो वेरिएबल का नाम देना चाहे कर दीजिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये A1 A2 तो वही है, इसको हम लोग क्यों नहीं B1 B2 या C1 C2 किए, कोई जरूरत ही नहीं है, चाहो तो कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट कोई जरूरत नहीं है, एक दो ही वेरिएबल को हम रीयूज कर ले रहे हैं, ठीक है।
जैसे गिलास में तुम पानी पीते हो, तो एक बार गिलास में पानी पिया तो स्टील का गिलास फेंकने नहीं देते हो कि नहीं, अब दूसरी बार प्यास लगेगा तो दूसरा गिलास लेंगे इसको फेंक देंगे। तो यही कंटेनर एक ही है, एक बार उसमें पानी पी लिए फिर हमको प्यास लगा फिर हम उसी में पानी पी रहे, तो उससे क्या हो रहा है एक ही चीज बार बार यूज हो रहा है, तो वेस्ट नहीं हो रहा है कुछ। अब डिस्पोजेबल क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, वो पियो फेंक दिए, डिस्पोजेबल पियो फेंक दिए, वो पोल्यूशन करता है, वो एक तरह से कहीं से भी वो सही नहीं है। ठीक है, तो रीयूज हो रहा है तो अच्छा है, ये एफिशिएंट प्रोग्राम बन रहा है। अब इसका असर देखिए, लेंथ ऑफ फर्स्ट रूम, चलिए इसको फुल फॉर्म में दिखलाते हैं, पहला रूम का लेंथ ब्रेड डालिए फुल फॉर्म में क्या देखिए। एक रूम मेरा जो है वो 12 फीट का है, 12 बाय 14 फीट का रूम है, ठीक है भैया, उस रूम का एरिया है 168। दूसरा रूम का एरिया क्या है, एक थोड़ा सा छोटा रूम है, 8 बाय 7 का रूम है, बहुत छोटा सा रूम, उसका इतना स्क्वायर हो गया, एक थोड़ा हॉल जैसा है उसका 20 फीट बाय 22 फीट का साइज है, इसका बड़ा हो गया। देखिए सबका अलग अलग दिखा रहा है, तो फिर इसमें फायदा क्या हुआ, देखिए फायदा अब होगा, अब हम कोड को और थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए स्पेस डालते जाने से होता क्या ना कि आपको कोड सेपरेटेड रहेगा, अच्छा लगेगा देखने समझने में, इसी को सटा देंगे हम साथ में लिख देंगे। देखिए ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग यही सब मिस्टेक करते हैं, तो ये कोड बेकार में ना है, कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगता है, क्या हो रहा है यार ये सब, नया लोग देखे तो परेशान हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, इसको सिंप्लीफाइड रखे ताकि आप भी कभी पढ़े 2 साल 5 साल बाद भी इसको देखे तो समझ में आ रही है। तो बल्कि आप यहाँ पर अच्छा से यह कर दो, एक कमेंट लिख दो, कमेंट इसीलिए होता है, डेटा फॉर फर्स्ट रूम है ना, उसी तरह से यहाँ आप कमेंट लगा दो, डेटा फॉर सेकेंड रूम, तो ये क्या होगा और रीडेबल हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थर्ड रूम लिख दो जो भी करना है। नाउ फाइनल कैलकुलेशन, यहाँ से कैसे हो रहा फाइनल कैलकुलेशन, एक हम नया वेरिएबल बनाएंगे टी ए, टोटल एरिया, इसमें क्या करेंगे R1 + R2 + R3 तीनों डाल दिए। उसके बाद एक हम और वेरिएबल लाएंगे कॉस्ट या सी या सी टी सी एस कुछ भी लिख दो। कॉस्ट क्या है, टोटल एरिया जो भी निकला है मल्टीप्लाइड बाय 15, क्यों 15 क्यों, क्योंकि मैंने बात किया था कि 15 रुपये स्क्वायर फीट है, एक स्क्वायर फीट अगर होगा तो 15 रुपये लगेगा, और सब टोटल जोड़ दो तो कितना हो, तो इतना स्क्वायर फीट, सिंपल मैथ ही। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों आ गया, अब इसको आउटपुट कराइए, तो यहाँ पर आराम से लिखिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए कि भाई टोटल एरिया इज इक्वल टू टी ए और फिट, अच्छा मीटर लिख दे रहे हैं, स्क्वायर फिट लिखिए, ये हम ध्यान ही नहीं दिए, स्क्वायर फिट लिखिए, सब जगह स्क्वायर फिट करना होगा, सब जगह कैसे करेंगे, तो कॉपी करिए कंट्रोल एच दबाइए और यहाँ स्क्वायर फिट मीटर स्क्वायर है ना, मीटर SQR, उसको रिप्लेस विद दिस, रिप्लेस ऑल कर दीजिए, देखिए हो गया सब एक ही बार में, स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट सब जगह हो गया, तो ये फाइनल रिप्लेस था। टोटल एरिया ये, एंड फिर एक मैसेज डालिए कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ ₹15, यहाँ पर कॉस्ट डाल दीजिए, यहाँ ₹ लिख दीजिए या पहले लिख दीजिए या इतना रुपीज या उतना रुपीज, जो भी लिखना लिखिए, ये सब आउटपुटिंग का चीज है, आउटपुटिंग कैसे कहते हैं ये सब पहले बताया हुआ। और कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, थैंक यू लिख के खत्म करिए काम, अब इसको रन कराइए। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, तो रन कराना था ना, 5 4 3 2 है ना, देखिए रिजल्ट आपके सामने है, सारा टोटल एरिया है, तो आप इसको बार बार देखिए समझ में आ ही जाएगा। तो यही है, फ्लोरिंग का 60,000 रुपया खर्चा होगा, कितना आसानी से बता दिया है, इसे बोलते हैं एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल डेटा यही है, ये फॉर्मेलिटी के लिए ऐसे